मेरा मैथ्स वीक है। वेलकम टू पार्ट थ्री फॉर टेस्ट नेट 2024। सो इसको लेके पार्ट वन एंड पार्ट टू मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। पार्ट वन के अंदर अरिथमेटिक के बारे में आई हैव डिस्कस, पार्ट टू के अंदर नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो के बारे में आई हैव डिस्कस, एंड इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट दी पार्ट थ्री अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स। तो हर ये सेक्शन से, मतलब क्वांट के अंदर भी अरिथमेटिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, उसमें भी किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुआ है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है, काइंडली गो एंड वॉच दैट वीडियो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। वेटेस्ट टॉपिक और उसको लेके प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। सो ये वीडियो शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को, जितने लोग टेस्ट नेट 24 या 25 टारगेट कर रहे हैं, सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मेनुअर टेस्ट एंट्रेंस वी हैव लॉन्च सेपरेट चैनल वेयर यू विल बी गेटिंग द टेस्ट स्पेसिफिक वीडियोज, अपडेट, नोटिफिकेशन, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग पार्ट, एंड वेरी सुन वी विल बी कंडक्टिंग द लाइव वर्कशॉप एंड द क्यू एन ए सेशन। सो फटाफट जाके ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप मेनुअर एजुकेशन के चैनल पर देख रहे हो वीडियो, तो मेनुअर टेस्ट एंट्रेंस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी अपडेट्स, नोटिफिकेशन को लेकर यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। एंड फॉर द कोचिंग, मुंबई बेस अगर आप हो तो दादर, बोरीवली, वसई एंड थाने। इफ यू आर नॉट मुंबई बेस, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर। ऑल्सो विच एवर कैंपसेज यू आर टारगेटिंग, वेदर इट इज मुंबई, गुवाहाटी, तुलजापुर, हैदराबाद, आउट ऑफ 100 टारगेट 80+। सो क्वांट के अंदर आप क्या परफॉर्म करते हो, आउट ऑफ 30 इफ यू आर हिटिंग 25+, इंग्लिश में इफ यू आर हिटिंग 25+, एंड जीके में अगर आप 25+ हिट कर रहे हो तो 75+ यू आर हिटिंग, विच इज़ अ वेरी डिसेंट स्कोर। आइडियल जो कट ऑफ रैम्बल करेगा फ्लैगशिप कोर्स के लिए वो 68 से 72 के बीच में रैम्बल करेगा फॉर एच आर एम एल आर, ओडीसीएल को लेकर एंड एनालिटिक्स। बाकी नॉन एच आर एम एल आर ओडीसीएल लाइक ग्लोबलाइजेशन हो गया, डेवलपमेंट स्टडी, रूरल डेवलपमेंट, सोशल वर्क, एम एच ए, एम पी एच, उसको लेके कट ऑफ आपका 60 के आसपास रहेगा या 60 से नीचे। सो ओवरऑल मैथ्स में तो परफॉर्म करना ही है, बाकी ये सेक्शन में भी आपको अच्छा करना है इंग्लिश एंड जीके। ये है आपका अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स का ब्रेकअप। 2019 में जो क्वेश्चन आए थे वो 4 क्वेश्चन आए थे। पीएनसी हर साल भर भर के आ रहा है, तो भाई परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी तो अच्छे से कर लेना। 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, तो पढ़ लेना इसको। बाकी प्रोग्रेशन वाले 1 1 2 2, ठीक है, तो 1 क्वेश्चन पकड़ के चलो। 2020 में 4 6 एंड 7, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 3 6 8 5 2 7, यहाँ पे 8, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन। तो 2023 में क्वेश्चन यहाँ से कम आए हुए थे, ज़्यादा क्वेश्चन आपके आए थे डीआई से, क्योंकि 2023 में डीआई से आइडली 6 क्वेश्चन आता है, बट 2023 में क्वेश्चन था 9, तो यहाँ वाले क्वेश्चन कम हो गए और डीआई में क्वेश्चन बढ़ गए आपके। बट यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथम, सेट थियरी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, प्रोग्रेशन, एजेस, एजेस वाले पार्ट को आप निग्लेक्ट कर सकते हो बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ अरिथमेटिक। तो हाँ, ये होगा आपका 7 मार्क्स, नॉट 8, ठीक है। तो रफली जो इसका रेंज है वो 4 to 5 मार्क्स एवरेज में बोल सकता हूँ कि हाँ 4 to 5 क्वेश्चन आपके अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ से आने वाले हैं। 2 क्वेश्चन परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी से तो फिक्स ही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे कि क्वाड्रेटिक हो गया, लॉगरिथम हो गया, प्रोग्रेशन, ये 3 ऐसे टॉपिक है जो थोड़े से एडवांस मैथ्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी सेट थियरी भी इनइक्वालिटी के एक ही क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2020 में आया था, उसके बाद नहीं पूछा उन्होंने, बट लॉगरिथम से क्वेश्चन फॉर श्योर आता है। तो लॉग, प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक एंड ट्रिगो, ये 4 ऐसे टॉपिक है जो थोड़े से टफ लेवल पे आते हैं एग्जाम में, तो अपने को इसके लिए थोड़ा एडवांस लेवल पे प्रिपरेशन करके लेनी होगी। तो ये हर टॉपिक से 1 ही क्वेश्चन पकड़ लो तो 4 क्वेश्चन। तो अगर आपको क्वांट क्रैक करना है तो सबसे पहले अरिथमेटिक, फॉलोड बाई डी आई, देन योर नंबर एंड ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एंड फॉलोड बाई अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स। ये ऑर्डर में प्रिपरेशन आपकी करो जब भी आप अपनी पढ़ाई चालू कर रहे हो। हाँ, जितना जल्दी चालू करेगा उतना आपके लिए बेटर होगा, थोड़ा टाइम मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अदरवाइज लास्ट लास्ट में चालू करते हैं तो टाइम सफिशेंट होता नहीं है, तो हम सिलेबस ही कवर कर पाते हैं। एंड एग्जाम क्रैक करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, जो आप गलतियाँ करोगे उसको इम्प्रूव करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है, वो लास्ट लास्ट में नहीं मिल पाता। सो मेक श्योर द डे यू आर वॉचिंग माई वीडियो स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एटलीस्ट जीके तो डे 1 से चालू कर दो, इंग्लिश रीडिंग चालू कर दो, वोकैब पे काम करना चालू कर दो, मैथ्स लॉजिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पेन घसना पड़ेगा, ठीक है।
सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस. वंस अगेन सब्सक्राइब मेनू और टेस्ट एंट्रेंस चैनल जहाँ पे आपको टेस्ट स्पेसिफिक वीडियोज मिलेंगे एंड प्रिपरेशन को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कशन में. काइंडली चेक इट. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.